अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हम हाजिर हैं एक नई और यम्मी रेसिपी के साथ। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। घर में बनाने का इसको तरीका बताने वाले हैं आपको। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, उनमें हमारे पास है चिकन, जो कि मैंने एक कटोरी लिया है यहाँ पर, और उसको छोटा छोटा काटा हुआ है मैंने, बहुत ही छोटे पीसेस में काटा हुआ है, और ये बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, मैंने दो बड़ी कटोरी और एक छोटी कटोरी मैंने यहाँ पे उसके मैदे की ली है, यानी कि 2.5 कप आप इसको बोल सकते हैं। और फिर है मेरे पास ऑयल तकरीबन 2 छोटे चम्मच। फिर है मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे नमक तकरीबन 1.5 चम्मच, और फिर 2 चम्मच चीनी के इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। फिर मेरे पास है कुछ बारीक कटे हुए टमाटर, और फिर हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने लीमू में भिगो दिया। आप चाहे तो सिरके में भिगो दें इनको, या लीमू के में ही भिगो सकते हैं, जो रस होता है ना लीमू का, उसके अंदर ही। और फिर है मेरे पास कटी हुई शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक बारीक लेकिन थोड़ा लंबा लंबा काट लिया। और लास्ट पे है मेरे पास यीस्ट, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया। तो चलें, सबसे पहले हम लोग पिज़्ज़ा बनाने का जो डो है वो रेडी करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डो बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा ऐड करने के बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो ये हमारा मैदा ऐड हो गया, अब नमक ऐड कर रही हूँ मैं। उसके बाद चीनी ऐड करूँगी, फिर जो मैंने ऑयल लिया था उसको ऐड करूँगी, और लास्ट पे है यीस्ट की बारी। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी एक दफ़ा ऐसे, और फिर अब मैं इनको जो है ना अपने अकॉर्डिंगली गर्म पानी डालते हुए एक डो बना लूँगी। मैं यहाँ पे गरम पानी यूज़ कर रही हूँ डो बनाने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो डो तकरीबन रेडी हो गए। मैं इसको अच्छे से जो है वो दम करूँगी, और डो बना के इसको मैं तकरीबन 30 to 45 मिनट का रेस्ट दूँगी। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं डो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको 30 to 45 मिनट का रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने बोल लिया है उसको, जो डो है उसको अच्छे से ऑयल लगा रही हूँ। ऐसे ही मैं जो बोल है उस पर भी ऑयल लगाऊंगी, नीचे भी साइड्स पे भी अच्छे से लगाऊंगी। आप चाहें इसके लिए ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ऑयल लगाने के लिए थोड़ा ईजी और जल्दी हो जाता है, और डो को भी अच्छे से ऑयल लगा के। अब मैं इसको 30 to 45 मिनट के रेस्ट पे रख दूँगी कवर करके अच्छे से। तो गाइस, यहाँ पे एक तरफ हमने अपने डो को रेस्ट पे रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ हम चिकन रेडी करते हैं अपना। तो चिकन रेडी करने के लिए मैं जो है वो चिकन को दही और चिकन टिक्का मसाले में जो है वो मैरिनेट करूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच जो है वो चिकन टिक्का मसाले के लिए, और जो सेम उसमें क्वांटिटी में दही यूज़ किया है। इनको अच्छे से मिक्स करके मैं चिकन पे लगाऊंगी। और इसको ऐसे मैरिनेट करेंगे हम लोग। तो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसको 5 मिनट का रेस्ट दूंगी। तब तक हम लोग ऑयल फ्लाई अपना जो है वो ऑयल गरम करते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने जो है अपना ऑयल गरम कर लिया। अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया था चिकन टिक्का मसाला में, उसको इसमें ऐड करेंगे, और 5 से 6 मिनट के लिए मैक्सिमम हम इसको जो इसमें फ्राई करेंगे। चलिए, इनको फ्राई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़, हमारा चिकन यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया।
और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि जो डो है उसको शेप देंगे और फिर हम पिज़्ज़ा जो बनाना है उसका जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो डो है वो यहाँ पे फूल गया, बिल्कुल रेडी हो गया, ये साइज़ में डबल हो गया पहले से। तो अब हम इसको शेप देंगे और फिर हम बाकी इसके ऊपर जो स्टफिंग वगैरह है वो डाल देंगे और पिज़्ज़ा जो है फिर वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने पहले अच्छे से उसको ऑयल लगाया और अब जो है डो को हम लोग उसमें डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे पूरे पैन के साइज़ का, ऐसे दोनों फिंगर हाथों को यूज़ करते हुए हम लोग इसको फैला देंगे। गाइस मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स में दो चीज़ें बताना भूल गई थी, एक थे ब्लैक ऑलिव्स और चीज़ साथ में पिज़्ज़ा सॉस। ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चाहिए होती हैं, तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और आपको भी बता रही हूँ कि चीज़ पिज़्ज़ा सॉस और ऑलिव्स आप भी यूज़ कर सकते हैं, इससे जो टेस्ट होता है पिज़्ज़ा का वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है पूरे पैन में। तो अब मैं सबसे पहले इस पे जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। आप अच्छी सा खासी अमाउंट में पिज़्ज़ा सॉस इस पे लगा सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ऐसे आपने पूरे जो पिज़्ज़ा है आपका उसके ऊपर इसको ऐसे स्प्रेड कर लेना है पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से। और पिज़्ज़ा सॉस के बाद बारी आएगी हमारी चीज़ की, तो हम लोग इसके बाद चीज़ ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से स्प्रेड हो गई है, अब हम जो है वो चीज़ डालेंगे। आप चीज़ अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं, अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है आप एक्स्ट्रा चीज़ ही बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ डाल लें, अगर चीज़ नहीं पसंद कम चीज़ रखना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग है। अब चीज़ डाल दी है हमने, चीज़ के बाद मैं इसके ऊपर जो है वो अपनी टमाटर शिमला मिर्च हरी मिर्ची जो मैंने आपको दिखाई थी और ब्लैक ऑलिव्स भी ऐसे स्प्रेड कर दूंगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो टमाटर और जो मिर्ची वगैरह थी अपनी उसको स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर फिर से एक और लेयर चीज़ की लगाऊंगी। अब फिर से हम लोग हल्की हल्की चीज़ स्प्रेड कर लेंगे ऊपर। और चीज़ स्प्रेड करने के बाद मैं इस पर चिली फ्लेक्स यानी के जो रेड मिर्ची है वो डाल दूंगी। ऐसे उसको भी हल्का सा फैला देंगे। उसके बाद हम इसमें ऑरिगैनो स्प्रेड करेंगे और फिर हमारे पिज़्ज़ा की जो स्टफिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं ऑरिगैनो डालूंगी। ये बस हम हल्का हल्का ऊपर स्प्रेड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारी स्टफिंग जैसे कंप्लीट हो गई है तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये चिकन जैसे मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। और अब हम इसको बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चिकन मेरा ऐड हो गया। तो गाइस जैसे कि हम घर पे बना रहे हैं, हम लोग ओवन यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग ने क्या कि एक बड़ा पतीला या पैन जो भी आप इसको, उसमें मैंने नमक डाला है ढेर सारा और उसको मैंने पहले गरम करने के लिए रख दिया है। तो अब ये काफ़ी गरम हो गया, इसमें हम जो है अपना ये वाला पैन रखेंगे और इसमें पिज़्ज़ा बनाएंगे अपना। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसके अंदर मैंने पहले सॉल्ट रखा था और फिर मैंने इसके ऊपर जाली रख दी है, इसको मैंने पहले ही गरम कर लिया था। अब मैं इसे पिज़्ज़ा रखूँगी और इसको कवर कर दूँगी और पिज़्ज़ा को पकने के लिए रेडी होने के लिए जैसे ही छोड़ देंगे हम लोग।
तो गाइज़ हमने अभी रख दिया है, तो यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा हमारा। तो अब हम मिलते हैं पिज़्ज़ा रेडी होने के बाद। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे 10 से 15 मिनट हो गए, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ था, अब मैं इसको चेक करूँगी। हाँ, आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी मज़े का जो कलर है आया है और ये कितना मज़े का बना हुआ है। तो अब हम इसको निकालेंगे, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर पिज़्ज़ा। कितना मज़े का कलर है और बहुत ही यम्मी बनता है। तो ये हमारी फाइनल लुक है। सो गाइज, ये फाइनल लुक जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बना हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करते वक्त जब बेल आइकन आता है तो उसको भी प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।